पेड़ पौधों की श्रृंखला में हम आज एक ऐसा महत्वपूर्ण पौधा लेने जा रहे हैं जो कितने ही रोगों के निवारण करने में समर्थ है, जो हमारे देश में बहुतायत में मिलता है और अनंत काल से हम इससे लाभ उठाते आ रहे हैं। ऐसा महत्वपूर्ण पौधा है आंवला, आंवले की एम्बलिक माइरोबेलिन, वानस्पतिक नाम एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। इस पेड़ से समस्त समाज, भारतीय समाज परिचित है। एक बात मैं अवश्य पहले कहना चाहूँगा कि विटामिन सी, जो कि हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, आंवले में काफी मात्रा में होता है। परंतु एक बात याद रखने लायक है कि यह आंवले की बाहरी हिस्से में होता है और हरी अवस्था में ये लाभकारी रहता है। आप जानते ही हैं कि विटामिन सी हीट से या अग्नि से बहुत अधिक प्रभावित होता है और निष्क्रिय हो जाता है, परंतु प्रकृति कितनी बुद्धिमान है आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो विटामिन सी है उसमें दो तत्वों को पहचान लिया गया है, उनका नाम रखा गया है एम्बलिकेनिन ए और एम्बलिकेनिन बी। ये जो कार्यकारी तत्व हैं ये विटामिन सी की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावशाली हैं हमारी रोग क्षमता बढ़ाने में, हमें रोगों से दूर रखने में तथा हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करने में। एक विशेष बात यह भी है कि आपने सुना होगा कि च्यवनप्राश में आंवले को उबाल करके, उसकी पिट्ठी निकाल करके, फिर घी में भून करके डाला जाता। याद रखिएगा कि ये जो दूसरे तत्व पाए गए हैं जो विटामिन सी के एनालॉग कहलाएंगे वैज्ञानिक भाषा में, तो ये उसके अंदर विद्यमान रहते हैं और ये जलाने, उबालने या अग्नि से बिल्कुल प्रभावित नहीं रहते। आंवले के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि विदेशों में गुंजबेरी के नाम से एक वनस्पति होती है, उसको लोग इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर के रूप में फ्री रेडिकल से के प्रभाव से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। भारतीय आंवला या इंडियन गुजबेरी उससे कई गुना शक्तिशाली है। परिपक्व आंवला सिर से लेकर और पैर के अंगूठे तक जितने भी रोग हैं, आंवला उन सब के निवारण में समर्थ है। पहले हम लेते हैं बालों के या त्वचा के रोग। कभी कभी आपने देखा होगा कि त्वचा में एलर्जी, खाज, खुजली आदि होकर के व्यक्ति को परेशान करते हैं। आंवला अकेला या त्रिफला के रूप में इन सारे रोगों को दूर करने में समर्थ है। तिक्त कटु कषाय रस जो होते हैं, जब वो त्वचा पर लगेंगे तो वो कृमि हर तो होंगे ही, अर्थात बहुत सारी फुई या फंगस ग्रुप, बैक्टीरिया तथा वायरस के ग्रोथ को भी रोकने में आंवला समर्थ है। पंच कर्म यानी शरीर का शोधन करने के पश्चात आचार्य चरक ने चरक संहिता में लिखा है कि व्यक्ति को आंवला वन में छोड़ दें, अपना दिनचर्या को आंवले के साथ जोड़ ले, अर्थात हर समय आंवले का प्रयोग, यानी ये एक आंवले का रात्रिकल्प बन जाएगा। उस व्यक्ति का शरीर बताते हैं कि जब वो बाहर आएगा 2 महीने बाद तो बिल्कुल मधुमेह जैसा रोग भी दूर हो जाएगा, शरीर सुगठित स्वास्थ्य होगा और कोई भी रोग उस व्यक्ति के शरीर को लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा कठिन है और मैं अपने वैद्य समाज से चाहूँगा कि इन प्रयोगों को करें। हम भी प्रयास करेंगे कि कायाकल्प के लिए ऐसे योगों को प्रयोग किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग आंवले का रसायन के रूप में है, अर्थात ये एक ऐसा फल है जो मनुष्य के जीवन को या आयु को
बढ़ा सकता है। आयु को बढ़ाता ही नहीं बल्कि स्वस्थ रहते हुए निरोग रहते हुए व्यक्ति के रोगों को दूर करता है। तीसरा, जब मनुष्य के पाचन संस्थान में आम दोष बढ़ जाए, अर्थात जैसा कि अभी हमने बात की कि जब पाचन ठीक से नहीं होगा, जिसे हम कहेंगे कि पाचक अग्नि अर्थात पाचक रस या एंजाइम और हार्मोन्स, जब वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, उस अवस्था में यदि हम आंवले का सेवन करा रहे हैं तो हमारे समस्त अंगों को शक्ति मिलेगी तथा जो पाचक अग्नि कमज़ोर हो गई है, दुर्बल हो गई है, वह सबल होगी और हमारा पाचन पुनः ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात हम हृदय रोगों को लेते हैं। आपने सुना होगा जब हृदय रोग होता है तो उस समय एस्पिरिन अवश्य खाने को देते हैं, अर्थात एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही एस्पिरिन कहते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है ब्लड को या रक्त को पतला रखना। तो जब मधुमेह हृदय रोग की अवस्था होती है तो रक्त में गाढ़ापन आ जाता है और वो गाढ़ापन कभी कभी धमनी में रुकावट पैदा करके और हृदय रोगों को या मृत्यु का कारण बनता है। तो आंवले का जो एसिड है वो उसमें ये शक्ति है कि वो रक्त को पतला रखेगा और उसको जमने नहीं देगा और हृदय रोगों से तथा मधुमेह में जैसे रोग में भी बचाव होगा और हृदय सुरक्षित रहेगा। हम अगला अस्थि संस्थान यानी हड्डियों को देखते हैं। आंवले के प्रयोग से जो विटामिन सी है और डी आदि का शोषण होकर के हड्डियों को बल मिलता है और शक्ति रहती है और उनके अंदर जिसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हैं जिनमें अस्थि छिन्न भिन्न हो जाती है, टूटने का डर रहता है, तो उन रोगों का भी निवारण आंवला करने में समर्थ है। नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा स्नायु संस्थान है, रसायन होने के कारण आंवला उसमें भी लाभकारी है और स्नायुओं को शक्ति दे करके और ये मस्तिष्क के कार्य को ठीक तरह से करने में आंवला समर्थ है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिफला में आंवले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। त्रिफला को हम सर्वरोगहर भी कह सकते हैं, अनुपान का अंतर करके, अर्थात गर्म पानी से अलग प्रभाव होगा, ठंडे पानी से अलग प्रभाव होगा, गुड़ में मिलाकर, शहद में मिलाकर, घी में मिलाकर, इस तरह से हम आयुर्वेद में देखते हैं कि एक ही पौधे का या उसके अंग का हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके और बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने हमें 6 रस या टेस्ट या स्वाद प्रदान किए हैं, जिसमें मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसैला और चरपरा। ये याद रखने की बात है कि आंवले के अंदर लवण रस नहीं होता, नमक वाला स्वाद नहीं होता, अन्य 5 स्वाद इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब आंवला खाएं और कुछ देर बाद पानी पिए तो आपको मीठा लगेगा, तो ये मधुर रस का प्रमाण है। जितने अधिक रस होंगे उस वनस्पति का प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा, अर्थात वह अधिक से अधिक रोग निवारण में हमारा सहायक होगा। इसीलिए आंवले को हम अमृत फल भी कहते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसे अनुदान दिए हैं कि देखिए आंवले का हम 5-6 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि आंवला कैंडी बहुत प्रचलित है, आंवले का मुरब्बा हम बड़े लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब आंवले का मुरब्बा प्रयोग करें तो हम निकाल करके आंवले को चाशनी में से और कुछ समय पानी में डाल दें तो ऑस्मोसिस से उसके अंदर जो उपस्थित चीनी है तो वो बाहर निकल जाएगी और तब हम उसका प्रयोग करें तो वो लाभकारी रहेगा, क्योंकि चीनी का प्रयोग केवल आंवले को प्रिजर्व करने के लिए
या उसको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब आंवले का चूर्ण हमें निरंतर पूरे वर्ष मिल सकता है। एक एक चम्मच हम दूध से या पानी से ले सकते हैं और अपनी त्वचा को भी चमकती हुई रख सकते हैं। ये ध्यान रखें, कई बार कहते हैं कि आंवले के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। मुझे एक बात बताइएगा कि जब हम अपना भोजन लेते हैं तो हमारे आमाशय में क्या होता है? कुछ पाचक रस होते हैं, पेप्सिन आदि, तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो दूध या जब भी हम कोई चीज़ लेंगे तो वो तो स्वाभाविक है कि एसिड के प्रभाव से स्प्लिट होगा, फटेगा, और फिर वो अपने विभिन्न भागों में बट करके तरह तरह से शोषण होकर के शरीर में उसका लाभ मिलेगा। तो उसी प्रकार आंवले के सेवन से भी वही लाभ मिलता है, और दूध के साथ या जैसे च्यवनप्राश में दूध के साथ लेने से कोई हानि नहीं होती। कई बार कहा जाता है कि आंवले को या च्यवनप्राश को गर्मियों में सेवन नहीं करना चाहिए। यह बात तो सत्य है कि उसमें कुछ पिपली, नागकेसर आदि उष्ण या गर्म पदार्थ हैं, परंतु देखा जाए तो अगर हम मात्रा कम कर लें तो हम रसायन के रूप में इसका निरंतर गर्मियों में भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान में हम तेज गर्म दूध न लेकर के सामान्य दूध से इसको हल्का गर्म दूध से ले सकते हैं अनुपान के रूप में, तो हमें कोई हानि नहीं होगी। एक आयुर्वेद में एक प्रयोग है जिसमें हम बहुत लंबे समय तक आंवले को रख सकते हैं, उसको हम आमल की रसायन कहते हैं। ये चूर्ण के रूप में या पाउडर के रूप में होता है। इसमें आंवले के चूर्ण को आंवले के रस से ही घोटना होता है, और यह प्रक्रिया 6-7 बार कर ली जाती है। तो जो अंत में जो हमारा चूर्ण बनेगा या जो हमारा रसायन के रूप में जो बनेगा, तो उसमें कितने गुना शक्ति बढ़ गई है आप इससे पहचान सकते हैं कि पुनः पुनः हम उसमें आंवले का रस चूर्ण में डाल के घोटते हैं, और हम उसको सूर्य की रश्मियों में यदि सुखाते हैं तो उसका और अधिक गुणवर्धन होता। इसको हम 2.5 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम जल से, दूध से या भोजन के बाद भी ले सकते हैं। तो वर्ष भर सेवन करने के लिए वृद्धावस्था में इसको एक दैनिक प्रयोग के रूप में करना चाहिए, और आंवले की रोग रोधक शक्तियों से लाभ उठाना चाहिए। दादी माँ जानती थी कि किस तरह से आंवले लेकर के उनको प्रेशर कुकर या भाप में थोड़ा गला लें, थोड़ा सॉफ्ट कर लें, तथा उसको जीरा, हल्दी आदि के साथ छौंक कर जिस समय ताज़े आंवले उपलब्ध हों उन दिनों उसको निरंतर प्रयोग करें, तो वो भी बहुत से रोगों से, जैसा कि पूर्व में हम देख चुके हैं, बचाव करेगा और ताज़ा अवस्था में और भी लाभकारी होगा।